फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में फिलिस्तीन और इजराइल की दुश्मनी की चर्चा हो रही है। इजराइल फिलिस्तीन का विवाद एक दो साल का नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोनों देशों के बीच दुश्मनी क्यों है, क्यों दोनों देश एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। आपको यह भी बताएंगे कि क्यों दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने 42 लाख यहूदियों को गैस चेंबर में डालकर मार दिया था। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद 100 साल से भी अधिक पुराना है। पहले विश्व युद्ध में जब ऑटोमन साम्राज्य हारा तो फिलिस्तीन वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया, उस वक्त इजराइल नहीं था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग होने लगी। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा यहूदियों के मिडिल ईस्ट का वो स्थान दिया गया जहाँ इस्लाम, ईसाइयों और यहूदियों का पवित्र स्थल यरूशलेम बसा हुआ है। दरअसल पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को पराजित करने के बाद ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया के उस हिस्से पर कब्जा कर लिया जिसे फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है। पूरे यूरोप में फैले यहूदियों के लिए उनका यह पुश्तैनी घर था। यहूदी और अरब लोगों में तनाव उस समय और बढ़ गया जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक देश बनाने का काम सौंपा। 19वीं शताब्दी के दूसरे से चौथे दशक के बीच यहाँ यहूदियों की संख्या में वृद्धि हुई। इनमें से कई यूरोप में हुए उत्पीड़न से भाग कर आए थे। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब देश में विभाजित करने के लिए मतदान किया। इसके तहत यरूशलम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। इसे यहूदी नेताओं ने तो मान लिया लेकिन अरब लोगों ने इसे खारिज कर दिया। 6 मार्च 1948 को अरब और यहूदियों के बीच पहला संघर्ष हुआ। विवाद को हल करने में असफल होने के बाद 1948 में अंग्रेज फिलिस्तीन छोड़कर चले गए। यहूदी नेताओं ने इजराइल की स्थापना की घोषणा की। इसका कई फिलिस्तीनियों ने विरोध किया। पड़ोसी अरब देशों ने आक्रमण कर दिया। युद्ध के दौरान कई फिलिस्तीनियों को अपना घरबार छोड़कर भागना पड़ा। युद्ध समाप्त होने के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। इजराइल एक दिन में नहीं बना। बुद्धि, ज्ञान, संपदा और संस्कृति से भरपूर यहूदियों ने चाहे कितनी भी सफलता और सम्मान दुनिया में आज हासिल कर ली हो, लेकिन एक समय था जब उनकी यह सफलता उनके लिए काम नहीं आई। दुनिया भर में यहूदियों को जूते की नोक पर रखा गया। उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता। हिटलर ने 42 लाख यहूदियों को मार दिया। हालांकि यहूदी पीछे नहीं हटे और नए देश की मांग पर अड़े रहे। 14 मई 1948 यह तारीख यहूदियों के लिए बेहद खास है। इस दिन दुनिया को एक नया देश मिला जिसका नाम इजराइल रखा गया। जब इजराइल बना तो 5 इस्लामिक पड़ोसी देशों ने मिलकर 1967 में इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल ने इसका कड़ा जवाब देते हुए सभी को युद्ध में एक साथ हरा दिया। इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। इससे दुनिया में यह संदेश गया कि अपने दुश्मन देशों से घिरा इजराइल आकार में छोटा है लेकिन उसके हौसले किसी से भी कम नहीं है। इस युद्ध का नतीजा हुआ कि इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप, गाजा, पूर्वी यरूशलम, पश्चिमी तट और गोलाना की पहाड़ी पर अपना कब्जा जमा लिया। इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बीच यरूशलम के इतिहास को भी समझना जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि ये शहर दोनों देशों के लिए क्यों अहम है। दरअसल यरूशलम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का एक बड़ा ही पवित्र और प्राचीन शहर है। बड़ी पश्चिमी यरूशलम पर 1948 से इजराइल का कब्जा है। यहाँ यहूदी बहुसंख्यक है, वहीं पूर्वी यरूशलम में फिलिस्तीन बहुसंख्यक है। इस हिस्से में अल अक्सा मस्जिद परिसर सहित यरूशलम का सबसे पुराना शहर है। 1967 में इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। इजराइल और फिलिस्तीनी विवाद को समझने के लिए गाजा पट्टी और हमास के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। आखिर हमास क्या है, इस आतंकी संगठन का मकसद क्या है, ये सवाल भी बेहद अहम हो जाता है। इजराइल पूर्वी यरूशलम को अपनी राजधानी बताता है, वहीं फिलिस्तीन के लोग इसे अपनी भविष्य की राजधानी मानते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में ज्यादातर फिलिस्तीन के लोग वेस्ट बैंक में ही रहते हैं जहां इजराइल का पूरा कंट्रोल है। वहीं कुछ लोग गाजा पट्टी में रहते हैं जहां से आए दिन हमास द्वारा हमला किया जाता है। यरूशलम शहर यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों ही धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है और यही शहर टकराव की अहम वजहों में से एक भी है। यरूशलम यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए पवित्र शहरों में से एक है। यहाँ स्थित अल अक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। 35 एकड़ में फैले इस परिसर को मुस्लिम अल हरम अल शरीफ कहते हैं। यहूदी इसे टेंपल टाउन कहते हैं। वहीं ईसाइयों का मानना है कि यहीं ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, इसके बाद वो यहीं अवतरित हुए थे। इसी के भीतर ईसा मसीह का मकबरा है। यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल डोम ऑफ द रॉक भी यहीं स्थित है। ऐसे में इस स्थान को लेकर वर्षों से यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद जारी है। 1980 में इजराइल ने यरूशलम कानून पारित किया था जिसमें दावा किया गया था कि यरूशलम पूर्ण और एकजुट इजराइल की राजधानी है। फिलिस्तीन इसका विरोध करता आया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक इसे अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया था।
हमास फिलिस्तीन का एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। इसी के कारण इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। हमास ने ही 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे और इजराइल में घुसपैठ कर इजराइल के नागरिकों पर हमले किए। हालांकि अब इजराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन औरन स्वाड शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि साल 1987 में हुए जन आंदोलन में शेख अहम यासीन ने हमास संगठन की नींव रखी थी। तब से हमास फिलिस्तीनी इलाकों से इजराइल को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमास को गाजा पट्टी से ऑपरेट किया जाता है। इजराइल को बतौर देश हमास मान्यता नहीं देता है और इस पूरे इलाके में एक इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। अपनी स्थापना के एक साल बाद साल 1988 में हमास द्वारा एक चार्टर जारी किया गया। इस संगठन ने अपने चार्टर में इजराइल और यहूदियों को लेकर कहा कि यहूदी समुदाय और इजराइल को पूरी तरह खत्म करने की हमास दम लेगा। आपको बता दें कि हमास दो भागों में विभाजित है, जिसका एक भाग का दबदबा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर है। वही दूसरे भाग को साल 2000 में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत के साथ ही इजराइल पर होने वाले हमलों में बढ़ोतरी देखी गई। इसकी शुरुआत के साथ ही आत्मघाती हमले भी बढ़ रहे हैं। हमास के पास करीब 5000 लड़ाकों की फौज है। इस ग्रुप में नौजवानों की संख्या काफी अधिक है। हमास के पास हथियारों का अच्छा खासा जखीरा है। हमास के पास रॉकेट से लेकर मोर्टार और ड्रोन जैसे कई हथियार हैं। साथ ही हमास की एक एलीट यूनिट को कॉर्नेट गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया है। वहीं गाजा पट्टी की बात की जाए तो आपको बता दें, गाजा पट्टी एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है। यह मिस्र और इजराइल के मध्य भूमध्य सागरी तट पर स्थित है। इस पर हमास का शासन है। 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद नवगठित गाजा पट्टी पर मिस्र का शासन था, लेकिन 1967 में हुए 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। इजराइल ने करीब 25 सालों तक इस पर कब्जा जमाए रखा। 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपने सभी सैनिकों और निवासियों को हटा लिया। इसके बाद साल 2006 में हमास ने गाजा में चुनाव जीता। एक साल बाद हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण यानी पीए के सुरक्षा बलों को हटाकर गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध ने हजारों जानों को छीना है। 2008 और 2021 के बीच कम से कम 5,739 फिलिस्तीनी और 251 इजरायली मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों की माने तो इजराइल में एक मौत के मुकाबले फिलिस्तीन में 23 लोगों की मौतें हुई हैं। इस दौरान कम से कम 1,21,438 फिलिस्तीनी और 5,682 इजरायली घायल हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।